86 साल पुराना ब्रिज तोड़ दिया। विशाल संरचना को ध्वस्त करने में केवल कुछ सेकंड्स लग गए। केंटकी में दर्शकों ने बुधवार की सुबह एक पुल के सफल विध्वंस को देखने के लिए इकट्ठा किया, जो 8 दशक से अधिक समय तक एक झील पर खड़ा था। एक विस्फोट ने झटके का निचले हिस्से में कुछ ही सेकंड में निलंबित संरचना को ढकाया, जो एक सुरक्षित दूरी से विध्वंस को देखने के लिए इकट्ठा हुए लोगों के लिए एक रोमांचकारी घड़ी के लिए बना। पुरानी संरचना को नीचे लाने के लिए अधिकारियों ने सड़क और नाव यातायात को रोक दिया था। 86 वर्षीय लेक बर्कले पुल 1932 में खोला गया था और स्थानीय मीडिया के मुताबिक टोल पुल के रूप में उपयोग किया गया था। फरवरी में पुरानी संरचना से दूर नहीं एक नया पुल खोला गया था और पहले से उपयोग में है, बीबीसी ने बताया। विध्वंस से पहले अधिकारियों ने पुल के आसपास 1500 फीट के एक स्पष्ट क्षेत्र का निर्माण किया। नौकाओं और कयकों पर लोगों ने भी पानी में दूर से नियंत्रित विस्फोट देखा। नियंत्रित विस्फोट के करीब 2 घंटे पहले सटे हुए नए पुल को भी बंद कर दिया गया था। विस्फोट के बाद धातु को साफ करने के लिए कर्मचारियों को केवल 24 घंटे दिए गए थे। केंटकी ट्रांसपोर्ट कैबिनेट द्वारा पोस्ट की गई एक वीडियो ने दिखा दिया कि विस्फोट के बाद ही पुल गायब हो गया था। विस्फोट देखने के लिए 5:40 पर स्क्रॉल करें। यद्यपि यह विध्वंस सुचारू रूप से चली गई थी, लेकिन सभी विध्वंस हिचकी के बिना नहीं गए। हाल ही में डेनमार्क में एक लंबा संरचना का विध्वंस बहुत बुरी तरह गलत हो गया, जब इमारत गलत तरीके से गिर गई और एक आसन इमारत को कुचल दिया। इमारत जो एक पुस्तकालय और एक सांस्कृतिक केंद्र रखी गई थी, सौभाग्य से कोई भी अंदर नहीं था जब विफल विध्वंस ने भवन को चपटा दिया।